हर पल में कहीं से भी कुछ भी आप देख करके सीख जाओगे, समझ जाओगे, सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते चले जाओगे, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, सब कुछ क्लियर होगा। ये आदत बना लो, अभी आप बना सकते हो, आप लोगों की एज है, अभी भी नहीं बनाई कभी नहीं बनेगी। अभी थक गए, हमेशा के लिए थक गए, थके हुए घूमते रहोगे। अरे बहुत ऐसे थके हुए लोग, हारे हुए लोग, जिंदगी से हारे हुए, अरे क्या ये कॉलेज है यार, यहाँ नहीं लगना प्लेसमेंट, कुछ नहीं होना, यहाँ से निकल गए यार, ठीक है देखेंगे कुछ करेंगे, करूँगा बिजनेस करूँगा। आप उनसे भी सीखो, मैं ऐसे लोगों से भी सीखता हूँ, मर जाऊँगा ऐसा नहीं बनूंगा, सीखो। Never be lazy intellectually. Be hyperactive. देखते रहो, स्टिल रहो, लेकिन देखते रहो, ऑब्जर्व करते रहो चीजों को, दुनिया को। अपनी सोच का जो सेंटर पॉइंट है वो ये रखो कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरी लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन दुख ना हो, सिर्फ खुशियां हो। कैसा हो सकता है? हाँ हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ आपको आ करके। मुझे किसी ने ये बात नहीं बोली थी, बोला था दुनिया बहुत मुश्किल है, ये है वो है, ज़िंदगी जीना ये वो बकवास। मैं कह रहा हूँ हो सकता है, यू कैन बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ऑल काइंड्स ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, यू कैन बी फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, यस यू कैन बी फ्री, हो सकता है। कैसे होगा, इसकी शुरुआत कहां से होगी? यू नीड टू बी हाइपर एक्टिव अंदर से। और हाइपर एक्टिव किसे कहेंगे ये भी समझ लो, वो नहीं जो अंदर कुछ ना कुछ सोच रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो जो देख रहा है वो हाइपर एक्टिव है। लोग देखते तो हैं लेकिन देखते नहीं है, ध्यान ही कहीं और होता है, ऐसा लगता है लोग हिप्नोटाइज्ड हैं, सुन रहे हैं लेकिन सुन नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, कुछ कर रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं लेकिन कुछ सीख नहीं रहे हैं। क्या आप ऐसे बन सकते हो कि आप जो भी कुछ कर रहे हो आप पूरी तरह से वहां पर हो? पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से उस जगह पर, और जो भी इस मोमेंट की सच्चाई है वो आपके सामने खुद निकल करके आ जाए, तो क्या प्रॉब्लम है? जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं इस दुनिया में वो झूठ की वजह से, कुछ झूठ जिसको हम सच मान लेते हैं, उस झूठ की इंटेंसिटी अलग अलग है। छोटे झूठ को पकड़ा छोटा दुख हुआ, बड़े झूठ को पकड़ा बड़ा दुख हुआ, बड़े तक तो आदमी पहुंचता ही नहीं है, पहले छोटे छोटे झूठों से शुरुआत करो, देखो लोग कैसे झूठ में जी रहे हैं। सच की तरफ बढ़ो, देखो इस दुनिया का सच क्या है, इस बॉडी का सच क्या है, माइंड का सच क्या है, यहां तक कैसे पहुंचोगे, शुरुआत कहां से होगी? यहीं से होगी। अभी नहीं देखना शुरू किया आगे जाकर के क्या देखोगे, उलझे रहोगे कहीं ना कहीं। अरे भेड़ चाल में कोई काम किया भी तो क्या किया, सोचो। भेड़ चाल मतलब कि भेड़े चल रही है, उनके साथ चुपचाप चलते रहे, लो जी चल रहा हूं चल रहा हूं, यही लाइफ है क्या? यही लाइफ है? अरे भेड़ों का झुंड गया तेल लेने, मैं कोई भेड़ नहीं हूं, इंसान हूं, मेरे में दम है वो करने का जो अंदर से आ रहा है, ये लेकर के आओ अपने अंदर। भेड़ चाल को छोड़ दो एक बार हिम्मत करके, छोटी छोटी चीजों में छोड़ना शुरू करो, छोटी छोटी चीजों में। थोड़ा सा कुछ ऐसा करने की सोचो जो और लोग ना कर रहे हो, कुछ अपने अंदर यूनिकनेस को डेवलप करो, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी। जो फॉलो करने की आदत है वो चेंज होकर के क्या बन जाएगी, अपने अंदर की आवाज को फॉलो करने की आदत।